चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। इस वक्त हम मौजूद हैं नसीरपुर के एक फार्म हाउस में, जहां एक फैमिली फंक्शन चल रहा है। और इस फैमिली फंक्शन में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से बलबीर सिंह जाकेट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम उनसे बात करेंगे और तमाम जो लोकसभा चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं, देश से संबंधित मुद्दे हैं, इन सभी की बातचीत करेंगे। पश्चिमी दिल्ली के नसीरपुर में एक फैमिली फंक्शन रखा गया, जिसमें सैकड़ों वकील नज़र आए। यहाँ पश्चिमी दिल्ली के आम आदमी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी बलबीर सिंह जाखड़ ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि बलबीर सिंह जाखड़ खुद वकालत बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया टाइम्स से हुई खास बातचीत में बलबीर सिंह ने बताया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है और मोदी को हटाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो स्टार्टिंग से चल रहा है पूर्ण राज्य का है, एजुकेशन को लेके। दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन, बच्चों को 90% 80% मार्क्स आते हैं, उनको सीटें नहीं मिलती। सबसे बड़ा इशू है DDA की लैंड को लेके। जो लोकल यहाँ के गांव हैं, उनका जो सर्कल रेट है वो बहुत कम है। कुछ जो DDA ने 3 साल पहले ज़मीन एक्वायर कर ली थी, जिनका मुआवजा नहीं दिया, जिनकी पोजिशन नहीं ली, एक इशू हुआ है। कौन से ऐसे मेन मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपील? देखिए, मैंने पहले सबके सामने हर सभा में ये कहा है, BJP गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो शायद आप मीडिया ने भी देखा होगा और एक आम आदमी का मैनिफेस्टो देखा होगा। हम एक ही कहते हैं, एजुकेटेड कौम है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि हम 5 साल में काम करा के देंगे। BJP गवर्नमेंट के जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने एक भी कार्य, आप लोगों ने, दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुन के दिए हैं यहाँ से, उन्होंने किसी सांसद ने दिल्ली की जनता के लिए, एजुकेशन के लिए, महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में जाके कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी के लिए कोई कार्य नहीं किया। आम आदमी पार्टी के अंदर 70 मुद्दे थे, जो हमारा मैनिफेस्टो उसके अंदर 70 काम हमने गिनवाए थे। रोड आप देख लीजिए, अनुचाई कॉलोनीज में देख लीजिए, पानी पाइपलाइन आ गई है, सीवर लाइन हमारे यहाँ चल रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल आप जाके देखिए, मेडिकल्स के लिए देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग गरीब आदमी थे जिनको लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, आज हमारी सरकार 10 लाख हो, 15 लाख हो, अगर किसी को मेडिकल चेकअप है तो वो भी हर जगह से करा रहे, जिसके चार्जेस दिल्ली की जनता के लिए नहीं दिए जा रहे। सबसे बड़ा है कि आप स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी बड़े मौजूदा आदमी थे, दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने काम किया, उनका बेटा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो आज दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था पूर्ण राज्य को लेकर, पहले गवर्नमेंटों ने भी उठाता रहा। हम पिछली बार BJP की आपको बता रहे हैं कि उनका मैनिफेस्टो के अंदर, जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर ही उन्होंने ये कहा है। फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप 7 सांसद दिल्ली की जनता चुन के दें और हम उसको पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, नहीं बनाया। हम दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं कि 7 सांसद हमें दीजिए और अगर पूर्ण राज्य को हम लेके आएंगे इसको जरूर। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का पेज जो है आज भी अटका हुआ है, बलबीर सिंह जाकर इसमें क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए गठबंधन? देखिए, ये सब दोनों पार्टी के सीनियर लीडर्स करेंगे, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए होगा, जो बेस्ट होगा वो दिल्ली के लोगों की, यहाँ की जनता को देख के किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आपने भी दिल्ली की जनता को देखा? मैंने ये आपसे बताया कि जो हाईकमान है, केजरीवाल जी या हमारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। एक जो वो हमारे यहाँ पे प्रेजिडेंट रहे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनसे पहले मैं भी प्रधान रहा हूँ, लेकिन वकीलों में अगर हमारा कोई भाई आगे पार्टी में जाता है और MP का MLA का इलेक्शन लड़ता है तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए इस तरह का फैमिली फंक्शन ज्वाइन करना कितना फ़ायदेमंद होगा, आपको इसके लिए 23 मई का इंतज़ार करना होगा। दिल्ली से कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।